लास्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, उसको अप्रोच टू मेजर ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस भी कहा जाता है। ये फोर टाइप्स के होते हैं। फोर टाइप्स में सबसे फर्स्ट आता है इसका गोल अटेनमेंट अप्रोच, सेकेंड आता है सिस्टम रिसोर्सेज अप्रोच, जिसको सिस्टम लेवल क्राइटेरिया भी कहा जाता है, स्ट्रेटेजिक कॉन्स्टिट्यूएंसी अप्रोच और बिहेवियरल अप्रोच। ये फोर अप्रोचेज हैं जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है गोल अटेनमेंट अप्रोच। गोल वर्ड से हमें समझ में आ रहा है यहाँ उद्देश्य की बात हो रही है। जब हम किसी भी संस्था की बात करते हैं तो वहाँ के ऑब्जेक्टिव्स, वहाँ जो भी उद्देश्य हमें प्राप्त करना होता है, ये सबसे पहला पॉइंट होता है। अब ये किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू एडजियोनी ये क्या कह रहे हैं, अ गोल इज एन इमेज ऑफ अ फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स। हमारी संस्था के जो उद्देश्य होते हैं, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये जो होता है हमारा फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर होता है, यानी कि हम बहुत लंबे समय का सोच के चलते हैं हमारी संस्था के लिए, और इसके अंदर आने वाले जितने भी मैटर्स होते हैं, जो भी दिक्कत हैं, जैसे कि हमें लोगों के रिक्वायरमेंट हैं, यानी कि हमें संसाधन चाहिए, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, या हमें रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए, या हम कितना कैपिटल लगाएंगे, एक्स वाई जेड, जो भी आपके इंटरनल या आप बाहर की बात करें, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स, एक्स वाई जेड, अपना जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जो लीगल एनवायरनमेंट है, सारी चीज़ें हैं। तो ये फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर यही इसीलिए कहा गया है कि हमारा जो उद्देश्य है, सिर्फ एक उद्देश्य डिसाइड कर लेना बहुत कुछ नहीं होता है, उस उद्देश्य पर काम कैसे करना है ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, व्हाट वी मीन बाय इफेक्टिवनेस, ये बर्नार्ड ने दिया है, ठीक है। तो इनका क्या कहना है कि इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? इफेक्टिवनेस इज़ द एकम्प्लिशमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे उद्देश्य हमें पता हैं, जो कि ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड हैं, जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ, तो ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट। अब मेरे अकेले के कोऑपरेट करने से तो संस्था का उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा ना, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरी, उन सबको उसमें अपने जो एफर्ट्स का कंट्रीब्यूशन है वो देना पड़ेगा, सबका अपना स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क वहाँ काम आएगा, अपना जो भी गोल है उसको अचीव करने में। द डिग्री ऑफ एकम्प्लिशमेंट इंडिकेट द डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस। जिस तरीके से आप अपने गोल्स पे काम करते हैं, वो डिग्री ये चीज़ बताती है कि आपका काम, आपका रिजल्ट किस तरीके से आएगा, या रिजल्ट आने के बाद आपको ये पता चलता है कि हमने जो काम किया था तो वो कितना ज़्यादा प्रभावी था, मतलब हमने उसमें मेहनत की थी नहीं की थी, या हमने टाइम पास किया था। देखिए, जिस तरीके से हम संस्था में काम करते हैं या हमारे सबऑर्डिनेट काम करते हैं, उसी तरीके से हमें उद्देश्य मिलता है। अगर हम बहुत अच्छे से वहाँ पर अपने एफर्ट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, सब लोग मिल बांट कर बहुत अच्छी तरीके से अगर हम काम करेंगे, तो इट्स ऑब्वियस जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो बहुत अच्छा और दी बेस्ट रिजल्ट हमारे हाथ में लाकर देगा। तो ये तो गोल अटेनमेंट अप्रोच था, जिसमें हमें सभी के, सभी से मतलब जो टॉप लेवल से लेके जो हमारे वर्कर या लोअर लेवल तक का जो एम्प्लॉयज़ के जो लेवल्स होते हैं, उसमें हर इंसान का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो यहाँ पर सभी के गोल और एफर्ट्स की बात हो रही है, उससे क्या होता है, हम गोल इजीली और अच्छे से अचीव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका सिस्टम रिसोर्स अप्रोच, सिस्टम लेवल क्राइटेरिया भी कहा जाता है। अब इसके देखिए तीन प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि सिद्धांत हैं। तो इफेक्टिवनेस इन प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द एनवायरनमेंट। हमें जो नेचुरल एनवायरनमेंट से रिसोर्सेज मिलते हैं या संसाधन मिलते हैं, हमें उनका अच्छी तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होता है, और जो भी रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं, तो हमें ये चाहिए कि वो वेस्ट ना हो। वेस्ट इन द सेंस, अगर आप उनको वेस्ट करेंगे, जिनको आप चीज़ें, जो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो वेस्ट जाएंगी तो आपका नुकसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ है, किसी भी शैम्पू के ब्रांड की अगर हम बात करें, तो छोटे छोटे सैशे भी आते हैं शैम्पू के, और बड़ी बड़ी बॉटल्स भी आती हैं, मतलब हर साइज़ में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो क्या होता है ना, जब बड़ी बॉटल्स पैक की जाती हैं, तो मशीन में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ जो उसका इंग्रेडिएंट होता है, जो वो शैम्पू है एक्चुअली में, जो फिनिश्ड गुड है, वो बच जाता है, तो फिर वो क्या होता है, वेस्ट होता है। तो फिर वो चीज़ें, उनको अगर हम बचाना चाहें, हम चाहें कि हम उसे वेस्ट ना करें, तो हम छोटे छोटे सैशे में भी तो उसको भरकर सेल कर सकते हैं। अब आप उसको अगर 1 रुपया, 2 रुपया, या 3 रुपया, या ज़्यादा है 5 रुपये में, इतने इतना सा आपका जो है मटेरियल वो आप सेल कर रहे हैं, तो इनकम तो आपकी ही है। जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट जा रहा था, जिससे आपकी कंपनी को नुकसान हो रहा था, वो आप बचा रहे हैं। इसी तरह क्रीम्स में भी हुआ है आजकल, बोरोप्लस के छोटे छोटे सैशे आते हैं, या दूसरे ब्रांड्स के भी आते हैं,
शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश, तो कुछ लोग उसको काफ़ी अच्छा समझते हैं, ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी हैंडी होता है वो, उसको कैसे भी कैरी करके हम ले जा सकते हैं। तो ये उससे क्या हो रहा है, कस्टमर को भी एक अच्छा चीज़ मिल रहा है और हमारा जो वेस्ट हो रहा है वो भी बच रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। इफ़ेक्टिवनेस इन यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट फॉर टर्निंग आउटपुट, जो भी संसाधन हम दे रहे हैं हमारे इनपुट के लिए तो हम उसको यूटिलाइज़ करने के लिए करते हैं ताकि हमें एक बेटर आउटपुट मिले। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है ये भी द बेस्ट एग्जांपल है देने के लिए। फिर इफ़ेक्टिवनेस इन द सप्लाई ऑफ आउटपुट टू द एनवायरनमेंट, आप जो भी सप्लाई आप कर रहे हैं, जो भी आपका आउटपुट है वो आप जो एनवायरनमेंट को दे रहे हैं, ये भी काफ़ी महत्व रखता है। हम कस्टमर्स को तो दे ही रहे हैं लेकिन अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो काफ़ी एनवायरनमेंट के लिए भी वेलफेयर का काम कर रही है तो ये भी एक सिस्टम रिसोर्स अप्रोच है। जैसे कि एक और कंपनी का मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी, नाम अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है प्लम कंपनी जो है उसका, अब उसमें दो तीन तरह की रेंज है, एलोवेरा एंड टी ट्री वगैरह कॉस्मेटिक्स ब्रांड है। तो इसमें क्या है, शैम्पू, कंडीशनर, हेयर मास्क, क्रीम एंड एक्सवाइजर, बहुत सारी चीज़ें आ रही है। तो इस कंपनी का एग्जांपल इसलिए दूंगी कि एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें, हालांकि तो इसकी चीज़ें भी अच्छी आ ही रही हैं, वो अच्छे क्वालिटी की चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को। नंबर टू, ये एनवायरनमेंट के लिए क्या काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं कि जो इनकी बॉटल्स जो हम यूज़ करते हैं या जो बॉक्सेस ये देते हैं हमें काय के क्रीम वगैरह के, वो खाली अगर हो जाते हैं, हमने सपोज़ इनका कोई भी प्रोडक्ट परचेस किया है, अब जब हमने उसे परचेस कर लिया तो जाहिर सी बात है हम उसे यूज़ करेंगे, जब यूज़ करेंगे तो वो बॉटल या जो भी ट्यूब्स या जो भी दिया है उन्होंने वो खाली होगा, खाली होगा तो आप क्या करेंगे, फेंक देंगे डस्टबिन में। तो इनका ये कहना है कि आप उसे फेंकें नहीं, आप उसे हमें बता दें, जो भी इनका प्रोसीजर है कॉल या मैसेज करके बताने का आप इन्हें बता दें। तो ये इस पर आपने जो भी इनको परचेस करें, तो जाहिर सी बात है आजकल ऑनलाइन परचेसिंग में तो ईमेल और फ़ोन नंबर सब चला ही जाता है, आप इनसे बोल दें कि हमारे पास ये आपका जो है खाली डब्बे या जो भी हैं वो हैं, तो इनका जो पर्सन है वो आपके घर से आके खुद लेके जाएगा उस चीज़ को, और उस चीज़ का क्या करेगा, वो खाली लेके जाएगा तो उसको बायोडिग्रेड करेगा। बायोडिग्रेड करने का मतलब ये हुआ है कि है ना, ये जो चीज़ें दे रहे हैं वो हम यूज़ करके फेंकेंगे तो हमारी जो सराउंडिंग, जो हमारी एनवायरनमेंट है उसको नुकसान होगा, पर ये वापस मंगा रहे हैं उसको रिसाइकल करने के लिए। तो रिसाइकल करने से जो है हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो हम फेंक देते हैं वो चीज़ें नहीं होंगी, जब ये रिसाइकल करके उसको वापस से हमको कुछ ना कुछ उसमें डाल कर देंगे उस प्रोडक्ट में, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा, ये हमारी एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होगा। ये जो आपका आउटपुट जा रहा है ये हमारे इस हमारी जो एनवायरनमेंट है जिसमें हम प्लास्टिक की पॉलीथीन्स या प्लास्टिक के डब्बे फेंक देते हैं तो वो काफ़ी क्या होता है, वो डिस्पोज भी नहीं हो पाता है, उसको कोई जानवर खा जाते हैं तो उनकी हेल्थ के लिए भी नुकसान है, और वो मिट्टी में भी क्या होता है रिसाइकल नहीं हो पाता है, वो वापस से सॉइल वगैरह में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है इनका बायोडिग्रेड करने का, इससे ये इको फ्रेंडली काम कर रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ है कि जो आपका आउटपुट है ये कंपनी को क्या कर रहा है, एक अच्छा आउटपुट दे रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें स्ट्रेटेजिक कॉन्स्टिट्यूएंसी अप्रोच की, तो सबसे पहला जो होता है हमारा स्ट्रेटेजी जो हम बोलते हैं वो होती है रणनीति, जो पहले कि हम नेवी और आर्मी में बनाया करते थे अटैक एंड डिफेंस के लिए, बट अब हम जो यूज़ करते हैं वो हर संस्था में स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं, क्योंकि स्ट्रेटजीज़ वो पॉलिसीज़ होती हैं या वो नियम होते हैं जिनको हम डेली बेसिस पे चेंज नहीं करते, ये लॉन्ग टर्म जो वर्किंग के लिए बनाया जाता है कि कौन सा काम कौन करेगा, कौन किस पोजिशन पर रहेगा, हर पर्सन जो आपकी संस्था में काम कर रहा है उसकी पोजिशन आप डेली तो चेंज नहीं करते, प्रमोशन भी अगर आप करते हैं या इंक्रीमेंट भी करते हैं तो उनकी वर्किंग को देख के करते हैं, डेली तो ये सब काम नहीं होते, तो ये एक लंबे समय के लिए बनाई जाने वाली प्रोसेस है। तो अब इसमें क्या कहा गया है, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक्टिंग इंटरडिपेंडेंटली हैव टू बी केयरफुली रेगुलेटेड टू एंश्योर इफेक्टिवनेस। ऑल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जितने भी तत्व हैं आपके बाहरी पर्यावरण के, वो क्या कर रहे हैं, इंटरडिपेंडेंटली जो है बहुत केयरफुली तरीके से रेगुलेट किए जा रहे हैं, किस चीज़ के लिए, इफ़ेक्टिवनेस दिखाने के लिए। अब इफ़ेक्टिवनेस कहाँ, हमारी संस्था की बात हो रही है तो हमारी संस्था में सब लोग काफ़ी इफ़ेक्टिवली वर्क कर रहे हैं,
बाहरी एनवायरनमेंट में भी हम काफ़ी ध्यान रखते हैं जब संस्था में काम करते हैं, ताकि हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो पूरी होनी चाहिए। अगर वो पूरी नहीं होती है तो हमारे जो बिज़नेस है उसको लंबा चौड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिर इंटीग्रेट बोथ द गोल एंड सिस्टम अप्रोच, दोनों चीज़ों पर इंटीग्रेट करते हैं, वर्क करते हैं ये गोल पर भी और सिस्टम अप्रोच पर भी, टू इफेक्टिवनेस बाय व्यूइंग द अप्रोचेस एज अ स्पेशल केस ऑफ मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी इफेक्टिवनेस। देखिए गोल एंड सिस्टम अप्रोच पे ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हमारी संस्था का जो इफेक्टिवनेस है उसको प्रभावित, और जो हमारी संस्था में जो इफेक्टिवनेस है ये हमारी हर चीज़ को प्रभावित करता है, हमारी वर्किंग परफॉर्मेंस को करता है, हमारा जो रिज़ल्ट निकल के आता है उसको करता है, जो हमारा इनपुट है। इट्स ऑब्वियस आज अगर आपने बहुत इफेक्टिवली आपकी संस्था में काम हुआ है, उसका रिज़ल्ट बहुत ज़ोरदार आया है, तो आपके पास कैपिटल भी इंक्रीज़ हुआ है, और वो कैपिटल इंक्रीज़ हुआ है इट मीन्स आप अब नेक्स्ट टाइम जब आप पैसा लगाएंगे तो वो ज़्यादा लगाएंगे, ज़्यादा लगाएंगे और उसी इफेक्टिवनेस से काम करेंगे, तो इसी तरीके से आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, तो इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं अचीव होंगे। अब मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी इफेक्टिवनेस में हर चीज़ आती है, यहाँ पर आपके सप्लायर्स, आपकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या पॉलिटिकल सराउंडिंग, टेक्नोलॉजिकल सराउंडिंग, एक्सपाइजेड, जो स्ट्रेटेजिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो हम स्ट्रेटेजी की जो हम बात कर रहे हैं और एक मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं, तो मल्टी है यानी कि सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी आ गई उसमें, आपका गोल भी आ गया उसमें, आपका सेकंड अप्रोच जो था सिस्टम अप्रोच भी आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, आपके एनवायरनमेंट आ गई है, एन नंबर ऑफ जो भी कंपोनेंट्स होते हैं हमारे बिजनेस के वो मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ गए हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, हमारी सराउंडिंग, हमारे रिसोर्सेज, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज, एक्स वाई जेड सब चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं स्ट्रेटजी बनाते हैं। जाहिर सी बात है अगर हमारी संस्था में 50 लोग काम कर रहे हैं या 5000 काम कर रहे हैं, तो हमें उनके लिए भी स्ट्रेटजी बनाना है, जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए स्ट्रेटजी बनाना है। सपोज ओल्ड है नई लाना है तो स्ट्रेटजी तो बनानी पड़ेगी ना, कि अब जो नई आ रही है उस पे काम करने वाले लोग हैं या नहीं हैं, या हमको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, फिर जो पैसा हम लगा रहे हैं हर चीज़, इवन टॉप लेवल से लेके जो जूनियर लेवल तक के लोग हैं उन सब के लिए स्ट्रेटजी जो है हमें बनानी पड़ती है, तभी हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट निकल के आता है, और इसी तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस को मेजर करते हैं। फिर लास्ट अप्रोच आता है इसमें आपका बिहेवियरल अप्रोच, बिहेवियर वर्ड से हमें समझ में आ रहा है कि क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हमने स्टडी भी किया है कि वॉट इज़ बिहेवियर, किसी भी इंसान का व्यवहार करने का तरीका। अब यहाँ पर जो व्यवहार है वो किसके व्यवहार की बात हो रही है, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर। ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर तो तब बनेगा ना जब इंडिविजुअल का बिहेवियर हम एनालाइज करेंगे। डिटरमाइन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल डिमांड, हमारे पर्यावरण की हमसे क्या डिमांड है, हमारा जो एनवायरमेंट है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मोटिवेटेड है, डीमोरलाइज्ड है, व्हाटएवर जो भी है, तो हमें कैसे पता चलेगा, हम ऑर्गेनाइजेशन के हर एक पर्सन से का बिहेवियर अगर हम जज करते हैं तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, कोई डिसपॉइंट है तो क्यों है, कोई मोटिवेटेड है तो क्यों है। तो ये जो होता है एनवायरमेंटल डिमांड जो होती है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स मिलता है हमें, तो वो हर एक पर्सन का जो बिहेवियर होता है उससे मिलता है, और हर एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है वही मिलकर संस्था का बिहेवियर बनाता है। अब देखिए तीन चीज़ें हैं इसमें फोकस करने की, यह है आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यह है आपका इंडिविजुअल गोल। अब ये जो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, ये परपेंडिकुलर जो बना रही है, ये लो डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस है, तभी तो आपका गोल जो है काफ़ी छोटा नहीं है, इंडिविजुअल गोल भी काफ़ी छोटे हैं, तो ये जो है ये क्या आ रहा है आपका लो डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस, यानी कि अच्छे तरीके से काम नहीं किया गया है, ना मशीनों से करवाया गया है, ठीक है। फिर यहाँ आएगा ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल हैं आपके, ये इंडिविजुअल गोल हैं। अब ये जो लाइन इंटरसेक्ट करी काफ़ी लंबी है, ये हाई डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस, यहाँ आपने किस ढंग से काम किया है, कितना प्रभावी होकर काम किया है, स्मार्ट वर्क किया है, हार्ड वर्क किया है, व्हाटएवर जो भी किया है आपने, वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, तो ये हाई डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस की यहाँ बात हो रही है। अब ये थर्ड पे अगर हम जाएंगे तो ये आपका इंडिविजुअल गोल है, और ये जो है आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, काफ़ी अलग जा रहा है, इंडिविजुअल्स इधर जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन इधर जा रहा है,
तो क्या होगा, गोल अचीव होगा क्या? नहीं ना, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, जब इंडिविजुअल का कोई लेना देना ही नहीं है ऑब्जेक्टिव से, तो वो क्या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे? तो ये इन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ काम तो कर रहे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों का है, तो ये लो डिग्री है। यहाँ पर देखिए दोनों का फोकस काय पे है, आपके गोल पर है, तो ये क्या है आपका हाई डिग्री। यहाँ तो गोल यहाँ पर है, इंडिविजुअल यहाँ पर है और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है, तो दिशा ही अलग हो गई है। तो ये चीज़ें हैं, ये आपका बिहेवियरल अप्रोच है। तो ये जो फोर मेजरमेंट हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के, हम हमारे ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस जब चेक करते हैं यानी कि मेजर करते हैं, तो हम इन चारों जो फैक्टर्स या कॉम्पोनेंट्स हैं उनको क्या करते हैं, देखते हैं। ये फर्स्ट यूनिट जो है आपकी कम्प्लीट हो गई है, इसमें जो भी डाउट हो आप लोग व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ लीजिएगा।